सो आज का फर्स्ट वर्ड है गलती। गलती को हम इंग्लिश बोलेंगे मिस्टेक। मिस्टेक। अब इसका एग्जाम्पल है, हम सब गलतियां करते हैं। वी ऑल मेक मिस्टेक्स। वी ऑल मेक मिस्टेक्स। अब इसका एक और सेंटेंस है, क्या ये मेरी गलती है? इज इट माई मिस्टेक? इज इट माई मिस्टेक? नेक्स्ट वर्ड है उबाऊ। उबाऊ को हम इंग्लिश में बोलेंगे बोरिंग। बोरिंग। और इसके लिए एक और वर्ड है टीडियस। अब इसका सेंटेंस देखते हैं, मुझे ये फिल्म उबाऊ लगी। आई फाउंड दिस फिल्म टीडियस। आई फाउंड दिस फिल्म टीडियस। और आप बोरिंग का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है संयोग या इत्तेफाक। फॉर एग्जाम्पल, हम संयोग से किसी से मिलते हैं, तो संयोग या इत्तेफाक, इसको हम इंग्लिश बोलेंगे कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस। अब इसका एग्जाम्पल है, क्या इत्तेफाक है या क्या संयोग है? व्हाट आर कोइंसिडेंस? व्हाट आर कोइंसिडेंस? अब नेक्स्ट वर्ड है मूर्खता या नासमझी। इसको हम इंग्लिश बोलेंगे स्ट्यूपिडिटी। स्ट्यूपिडिटी। अब इसका सेंटेंस है, यह तुम्हारी मूर्खता है या नासमझी है? इट इज योर स्ट्यूपिडिटी। इट इज योर स्ट्यूपिडिटी। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हमारी टाइम टू टाइम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नेक्स्ट वर्ड है बोझ। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास काम का बहुत बोझ है, तो बोझ, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे बर्डन। बर्डन। अब इसका एग्जाम्पल है, उसके पास काम का बहुत बोझ है या उस पर काम का बहुत बोझ है। ही हैज अ लॉट ऑफ बर्डन ऑफ वर्क। ही हैज अ लॉट ऑफ बर्डन ऑफ वर्क। अब नेक्स्ट वर्ड है जिद। जिद को हम इंग्लिश में बोलेंगे ऑब्स्टिनसी। ऑब्स्टिनसी। अब इस वर्ड का सेंटेंस देख लेते हैं, अपनी जिद छोड़ दो। लीव योर ऑब्स्टिनसी। लीव योर ऑब्स्टिनसी। नेक्स्ट वर्ड है नाराज या खफा। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे अनॉयड। अनॉयड। अब इसका सेंटेंस देख लेते हैं, क्या तुम मुझसे खफा हो? आर यू अनॉयड विथ मी? आर यू अनॉयड विथ मी? नेक्स्ट वर्ड है तजुर्बा या अनुभव। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस। अब इस वर्ड का एग्जाम्पल देखते हैं, हम सब अनुभव या तजुर्बे से सीखते हैं। वी ऑल लर्न बाय एक्सपीरियंस। वी ऑल लर्न बाय एक्सपीरियंस। नेक्स्ट वर्ड है मजबूरी या विवशता। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे कंपल्शन। कंपल्शन। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई भी मजबूरी हो सकती है, जैसे डाइटिंग आपकी मजबूरी है, कोई भी आपकी मजबूरी हो सकती है। अब इस वर्ड का सेंटेंस देख लेते हैं, मेरी मजबूरी को समझो। अंडरस्टैंड माई कंपल्शन। अंडरस्टैंड माई कंपल्शन। नेक्स्ट वर्ड है अधूरी। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट। अब इस वर्ड का सेंटेंस देख लेते हैं, माँ के बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। माई लाइफ इज इनकम्प्लीट विदाउट मदर। माई लाइफ इज इनकम्प्लीट विदाउट मदर। नेक्स्ट वर्ड है कीमती। कीमती को इंग्लिश में बोलेंगे प्रेशियस। प्रेशियस। अब इस वर्ड का सेंटेंस देख लेते हैं, समय बहुत कीमती होता है। टाइम इज सो प्रेशियस। टाइम इज सो प्रेशियस। अब लास्ट वर्ड है दिखावटी या बनावटी, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्रिटेंशियस। प्रिटेंशियस। अब इस वर्ड का सेंटेंस देख लेते हैं, मुझे दिखावटी या बनावटी लोग पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक प्रिटेंशियस पीपल। आई डोंट लाइक प्रिटेंशियस पीपल। ये दोनों आज की क्विज है, इत्तेफाक और मजबूरी। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा तो जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।